नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवाइस न्यूज और मैं आपके साथ जोयशा सर्वाधिकारी रीनावाड़ी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। डीवीसी बोकारो थर्मल की 3 नंबर यूनिट और बी प्लांट हमेशा के लिए बंद। दामोदर घाटी निगम के बोकारो थर्मल पावर प्लांट की 3 नंबर यूनिट और बी प्लांट अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में डीवीसी के मुख्यालय कोलकाता के अवर सचिव दीपक विश्वास ने नोटिस जारी किया है। वैसे तो इस प्लांट को बंद करने को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी थी, लेकिन आज इसकी विधिवत घोषणा की गई। बोकारो थर्मल के 630 मेगावाट की यह पावर प्लांट थी। 210 गुना के 3 यूनिट थे और 1992 में बोकारो थर्मल बी प्लांट को चालू किया गया था। लंबे समय से बोकारो थर्मल पावर प्लांट ने कई कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन अब हमेशा के लिए इतिहास बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि बी प्लांट के 3 में से 2 यूनिट पहले ही बंद हो चुके थे। यह तीसरा यूनिट था जिसे बंद कर दिया गया। डीवीसी के अवर सचिव दीपक विश्वास ने डीवीसी के संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है। आर्थिक और पर्यावरण का हो रहा था नुकसान, मौजूदा समय में बी प्लांट को चलाने में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। वैसे भी इस प्लांट को दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया था। प्लांट के एक्सटेंशन के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कई पहलुओं पर विचार करने के बाद बंद करने का निर्णय लिया गया। यह पर्यावरण के मापदंड को पूरा नहीं कर रहा था। चिमनी से धुआं अधिक मात्रा में निकल रहा था। कोयला मिल में कोयला को पूरी तरह से जला नहीं पा रहा था, जिसके कारण धुआं ज्यादा निकल रहा था, जो पर्यावरण के मानक का उल्लंघन था। लिहाजा इसे बंद करने का फैसला लिया गया। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.